स्टूडेंट्स, आई एम शुभांगी जैन फ्रॉम मैमी इंटरनेशनल स्कूल नयागांव कोटा। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर हिस्ट्री पोर्शन, दैट इज द न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। चैप्टर नंबर 11, न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धना एंड सम इम्पॉर्टेंट किंगडम्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। इन द प्रीवियस चैप्टर we read about how after the decline of Mauryas a number of kingdoms emerged in Indian subcontinent. After Mauryas dynasty ke baad ab baaki jo kingdoms the wo dheere dheere Indian subcontinent mein emerge hone lage aur 4th century ke starting mein hi Gupta empire power mein aaye. The Guptas were the rulers of Magad and set up a strong and powerful empire. ye Magad ke rulers aur inhone apna acha empire yahan pe establish kar liya tha. इसी पीरियड को हम किस नाम से जानते हैं? गोल्डन एज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड, एज इट सॉ अ नंबर ऑफ डेवलपमेंट एंड अचीवमेंट इन फील्ड सच एज आर्ट, साइंस, रिलीजन एंड टेक्नोलॉजी। और इसको गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे आर्ट, साइंस, रिलीजन और टेक्नोलॉजी हर फील्ड में क्या हुआ था? डेवलपमेंट हुआ था। द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी कौन कौन थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। वी कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुप्ता पीरियड फ्रॉम वेरियस आर्कोलॉजिकल सोर्सेज सच एज कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। इन सब की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? गुप्ता पीरियड की जो वेरियस आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, जैसे कि कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस। कई लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि वर्क ऑफ कालिदास एंड अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, जैसे कि पाहिन के थ्रू लिखी गई बुक्स। द मेन आर्कोलॉजिकल सोर्स इज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। और सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? समुद्रगुप्त का एक पिलर इंस्क्रिप्शन है जिसको किस नाम से जानते हैं हम? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। तो गुप्ता डायनेस्टी में तीन रूलर्स हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो पाटलिपुत्र में जिन्होंने रूल किया, और इन्होंने अपना एम्पायर जो था वो मगध से प्रयाग तक एक्सटेंड किया, और उसके बाद इनको किस टाइटल से जानने लगे हम? महाराजा दी राज के। फिर उसके बाद आया समुद्रगुप्त, इन्हीं के बेटे जिन्होंने कई किंग्स को हराकर नॉर्थ और साउथ इंडिया को कैप्चर किया, और ये ही एक्सेप्टेड द अथॉरिटी एंड पेड हिम ट्रिब्यूट्स। तो कई रूलर्स जो थे उन्होंने इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया और इन्होंने बदले में उनको पे किया। और लास्ट थे चंद्रगुप्त सेकंड जो समुद्रगुप्त के ही बेटे थे, जिनको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। इन्होंने साका रूलर्स, मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के रूलर्स को डिफीट किया, और इन्होंने वहाँ पे अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, और इन्होंने ट्रेडिंग पोर्ट्स को भी अपने अंडर कंट्रोल लिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूलर, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी के, जो पावर में आए थे 320 BCE में। ही मैरिड कुमारा देवी, अ लिच्छा छावी प्रिंसेस, हु हेल्प्ड हिम इंक्रीज हिज टेरिटरी एंड पावर। इन्होंने किससे मैरिज की? कुमारा देवी से, जिन्होंने इनकी काफ़ी हेल्प की है इनके एम्पायर को एक्सटेंड करने में। ही रूल्ड ओवर मगध, साकेत, प्रयाग फ्रॉम पाटलिपुत्र। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा दिराज। ही रूल्ड फॉर सम 15 years एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त इन 335 BCE। इन्होंने 15 years तक रूल किया, और उसके बाद इनके बेटे समुद्रगुप्त आ गए थे। सो नेक्स्ट इज समुद्रगुप्त। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर। इन्होंने 380 CE तक रूल किया। मेन सोर्स इनके इन्फॉर्मेशन का कहाँ से पता चलता है हमें? अलाहाबाद में एक पिलर इंस्क्रिप्शन है, पिलर पर लिखी हुई कुछ बातें हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। उसी से हमें समुद्रगुप्त के बारे में सारी नॉलेज मिलती है। इट वॉज जियोलॉजी कंपोज बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन। हरिसेन ने इनके बारे में लिखा है इस इंस्क्रिप्शन पे। ये इस इंस्क्रिप्शन पे एक पोएम लिखी हुई है जो कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत लैंग्वेज में। और प्रशस्ति भी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इन प्रेज ऑफ, यानी किसी की प्रेस करना। तो इसके सोर्सेज क्या हैं? अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बाय हरिसेन मेंशन द वेरियस अचीवमेंट ऑफ किंग समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या क्या अचीव किया था वो सब इसी पे लिखा हुआ है। ही हैज़ बीन हाईली प्रेज्ड इन दिस इंस्क्रिप्शन एज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इसमें बताया गया है कि वो ग्रेट वॉरियर तो थे ही सही, साथ में आर्ट और लिटरेचर और म्यूजिक की भी उन्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, और वो एक म्यूजिशियन भी थे और पोइट भी थे। कॉइन्स इशूड बाय हिम शो हिम प्लेइंग द वीना। और इनके थ्रू जो कॉइन्स इशू किए वो भी बताए गए, और ये भी बताया गया कि ये वीना को भी प्ले करते थे। द प्रशस्ति ऑल्सो मैंशंस द एंसेस्टर्स ऑफ समुद्रगुप्त, जैसे कि इनके फादर, इनकी मदर, इनके ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर कौन थे वो सब भी इस पर लिखा हुआ है। वाइल हिज ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड फादर आर सिंपली मैंशन एज महाराज, उनके फादर्स को भी सिर्फ महाराज के नाम से ही मैंशन किया गया है, वहीं पर इनको बोला गया है महाराजा भी राज। इट देयरफॉर सीम्स दैट द गुप्ता डायनेस्टी ग्रेजुअली रोज टू प्रोमिनेंस एंड पावर। तो माना जाता है कि गुप्ता डायनेस्टी ज़्यादा
किस टाइम पे रोज हुई? समुद्रगुप्त के टाइम पे ही. सम इम्पॉर्टेंट स्कॉलर्स इन समुद्रगुप्त कोर्ट, इनके मेन जो स्कॉलर्स थे वो कौन थे? हरिसेन, वासुबंधु और असांगा. नेक्स्ट जो ये यू कैन सी हेयर दैट द कॉइन्स इशूड ड्यूरिंग द समुद्रगुप्ता रेन्स. एम्पायर, द प्रशस्ति लिस्ट द वेरियस रूलर्स हु वर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त एंड ऑल्सो द एरियाज दैट ही कॉन्कर्ड. इस प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि कहीं कौन से ऐसे रूलर्स थे जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था. 12 किंग्स ऑफ द साउथ एंड ईस्ट वर कैप्चर्ड, रिलीज एंड देन फोर्स टू पे होमेज. 12 किंग्स ऐसे थे जो साउथ में इन्होंने उनको कैप्चर किया और बाद में इनको होमेज पे करना पड़ा. 9 किंग्स ऑफ आर्यावर्त इन नदन इंडिया वर डिफीटेड. आर्यावर्त के 9 किंग्स को भी इन्होंने डिफीट किया था. राजाज ऑफ द डेकन एंड द फॉरेस्ट पीपल वर ऑल्सो डिफीटेड. रूलर्स इन नेपाल, पंजाब एंड राजस्थान वर फोर्स टू पे ट्रिब्यूट एंड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ गुप्ताज. नेपाल, पंजाब और राजस्थान के जो रूलर्स थे उनको फोर्स किया गया कि वो ट्रिब्यूट पे करें और वो किसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करें? गुप्तास की. किंग्स ऑफ सिन्हाला, श्रीलंका के जो किंग्स थे साकाज और कुशानास, इनको भी ट्रिब्यूट किसको पे करना पड़ा था? टू द समुद्रगुप्त. मैनी ऑफ द किंग्स ऑल्सो ऑफर्ड देयर डॉटर्स इन मैरिज टू समुद्रगुप्त. और कई किंग्स ने समुद्रगुप्त की जो मैरिज थी वो अपनी बेटियों से भी करवाई. इट इज़ बिलीव दैट समुद्रगुप्त परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ टू असर्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड सुप्रीमेंसी. माना जाता है कि समुद्रगुप्त ने एक अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था. किस चीज़ के लिए? कि अपनी अथॉरिटी और सुप्रीमेसी को बढ़ाने के लिए. वाइल ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ हिंदुज्म, ही वॉज नॉट इनटॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स. ही अलाउड द बुद्धिस्ट किंग ऑफ श्रीलंका टू बिल्ड अ मोनास्ट्री एट बोधगया. हालांकि ये खुद जो रिलीजन फॉलो करते थे ये दूसरों को फोर्स नहीं करते थे, ये बाकी रिलीजन्स को भी इक्वली रिस्पेक्ट करते थे. और इन्होंने बोधगया में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को बिल्ड करने के लिए भी परमिशन दे दी थी. नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेकंड आफ्टर समुद्रगुप्त. अब इनके बेटे आए चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य के नाम से. ही केम टू पावर इन 380 CE. ही वॉज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रूलर एंड इट वॉज अंडर हिम दैट द गुप्ता एम्पायर रीच इट्स जेनिथ. माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर था उसने हाईएस्ट जो कैपेबिलिटी थी वो उसको एक्सपेंड किया था. ही फर्दर एक्सपेंडेड हिज किंगडम थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड मैरिज अलायंसेस. आगे भी इन्होंने अपने एम्पायर को काफ़ी एक्सपेंड किया मैरिज अलायंसेस के थ्रू और बैटल्स के थ्रू. ही डिफिटेड द साका रूलर्स ऑफ मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र. इन्होंने आगे भी कई जो रूलर्स थे उनको डिफीट किया और कंट्रोल स्टैब्लिश किया. कहाँ पे? ट्रेडिंग पोर्ट्स तक भी, जैसे कि ब्रोच, सोपारल, सुपारका एंड केम्बे. ये क्या थे? ट्रेडिंग पोर्ट्स थे. इन्होंने इनको भी इन्होंने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था. यहाँ से ट्रेड फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी. अलॉन्ग विद हिज मेन कैपिटल एट पाटलिपुत्र ही ऑल्सो सेटअप अ सेकेंड कैपिटल एट उज्जैन. इनकी फर्स्ट कैपिटल थी पाटलिपुत्र, उसके बाद इन्होंने सेकेंड कैपिटल कहाँ स्टैब्लिश की? इन उज्जैन. चंद्रगुप्त सेकेंड की जो मैरिज हुई वो हुई एक नागा प्रिंसेस से. ही ऑल्सो गॉट हिज डॉटर मैरिड टू वाकाटाक रूलर इन डेकन. इन्होंने अपनी बेटी की मैरिज कहाँ करवाई? इन डेकन रीजन. नाउ द कल्चर, लाइक हिज फादर चंद्रगुप्त सेकंड वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. इनको भी काफ़ी अच्छी नॉलेज थी आर्ट और लिटरेचर की. इनके रूल के टाइम पे इनके 9 जेम्स हुआ करते थे जिनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है. ग्रेट पोइट भी थे इनके ग्रुप में जिनका नाम था कालिदास, जो इन्हीं के 9 जेम्स में से एक हुआ करते थे. द चाइनीज ट्रैवलर फाहीन ऑल्सो केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज रेन. इन्हीं के रूल के टाइम पे फाहीन एक चाइनीज ट्रैवलर था जो इंडिया आया और इन्होंने विक्रमादित्य के किंगडम से रिलेटेड कुछ बातें लिखी और वो उसी बुक को यहाँ पर ही छोड़कर चले गए. द पीरियड अंडर विक्रमादित्य's रूल वॉज मार्क्ड बाय ग्रेट प्रॉस्पेरिटी. माना जाता है कि इन्हीं के रूल के टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ था. दिस वॉज कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इशू ड्यूरिंग हिज रेन. और ये हम कैसे बिलीव कर सकते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स इन्हीं के टाइम पे इशू हुए थे. थैंक यू स्टूडेंट्स.